हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान के द्वारा बनाई गई मिसाइल सिटी के बारे में। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफी विस्तृत तौर पर इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सुन रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं कि मिसाइल सिटी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि विश्व में जितनी भी कंट्रियां हैं कभी न कभी वो चाहे क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो इसका परीक्षण करते हैं। बट विश्व का ईरान एक ऐसा देश बना है जिसने मिसाइल सिटी बनाया। ठीक, ये मिसाइल सिटी क्यों बनाई गई, इससे वहां की सुरक्षा व्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है और उसके पड़ोसी देशों से उसका संबंध कैसा है, साथ ही भारत का रिलेशन कैसा है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, ईरान ने बनाई मिसाइल सिटी। देखिए, ये जो मिसाइल सिटी बनाई गई है यह पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, मतलब जमीन के अंदर एक सिटी बनाई गई जहां केवल मिसाइलों का क्या किया गया है, रख रखाव किया गया है सही तरीके से। लेकिन आज तक यह किसी को पता नहीं लगा है कि ईरान के किस सिटी में या किस प्लेस पर यह मिसाइल सिटी बनाई गई। तो बात आती है कि जब किसी को पता नहीं तो ये पता चला कैसे कि मिसाइल सिटी बनी है? तो वहां के जो कमांडर है इस समय सेना के, ईरान की जो सेना है उसके कमांडर कौन है, हुसैन सलामी। इन्होंने बाकायदे सही तरीके से वीडियो शूट करवाया है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया है वहां की ऑफिशियल वेबसाइट से कि मैंने एक पूरी तरह से सुसज्जित और आत्मनिर्भर मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर जो मिसाइलें बनाई गई हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो पूरी तरह से ईरान का ही है, किसी अदर कंट्री का सपोर्ट नहीं लिया गया है। चीजें इजी है, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं कि ये जो मिसाइल सिटी बनाई गई विश्व की पहली सिटी है जहां केवल मिसाइलें ही मिसाइलें हैं और पूरी तरह से जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बनाई गई है और वहां से आप किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। जी हाँ, जमीन के अंदर से जहां मिसाइलें हैं वहां से यहां कहीं पर भी निशाना लगाकर भेज सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसकी रेंज कितनी है तो ईरान में जो ये मिसाइल सिटी बनाई गई इसमें जितनी मिसाइलें हैं सब वहां से 2000 किलोमीटर दूर तक क्या कर सकती है, लक्ष्य का भेदन कर सकती है। अगर हम लोग बात करें कि ईरान की भौगोलिक स्थिति क्या है तो ईरान पड़ता है कहां, आपके अगर देखेंगे पाकिस्तान और उधर से क्या पड़ता है आपका कैस्पियन सी पड़ता है, ओमान की खाड़ी पड़ती है, इन सब के बीच में कैस्पियन सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और यह एशिया में है। अगर बात करेंगे एशिया में किधर है तो एशिया के पश्चिम साइड में, किधर, एशिया के पश्चिमी छोर पर ईरान पड़ता है। तो वहां से भारत भी इसके रेंज में आ जाएगा। अगर यूएसए की बात करें तो वो भी इसके रेंज में कुछ दूर तक आता है, चाइना की भी आधी भूमि इसके रेंज में आती है। तो इसने यह सिटी बनाई क्यों, इसका मेन पर्पस क्या है, सारी चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं कि यह जो मिसाइल सिटी बनाई गई यह पूरी तरह से जमीन के अंदर बनाई गई, कहां, अंडरग्राउंड बनाई गई। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए अगर बात करें तो इसमें आगे का फैक्ट क्या है कि वहीं से लक्ष्य का भेदन कर सकती है, अर्थात वहीं से लक्ष्य भेदन में यह कारगर है, मतलब यहां की जो मिसाइलें हैं जमीन के अंदर से ही कहीं पर भी निशाना लगा सकती है 2000 किलोमीटर के रेंज में। ठीक, अगर बात करें कि जहां ये मिसाइल सिटी बनाई गई क्या इसकी सिक्योरिटी कैसे है, अगर पता लग जाए लोगों को तो क्या इसका वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह जो मिसाइल सिटी बनाई गई है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर से यहां सुरक्षित रखी गई है कि आप इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप अटैक करेंगे तो वो पहले ही डिफ्यूज कर दिया जाएगा रडार के माध्यम से। ठीक, तो ये कहां पर बनाई गई, कोई एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं बताया गया इसका कि ईरान में किस जगह है, सिर्फ वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है कि हां मिसाइल सिटी बन चुकी है। ठीक, तो कोई इसे अभी तक जान नहीं पाया है कि किस जगह पर है। अगर बात करें कि इसने ऐसा कार्य किया क्यों, आप लोगों ने एक चीज का नाम सुना होगा, क्या, आर्म्स एम्बर। क्या, आर्म्स एम्बर। आर्म्स एम्बर का मतलब यह होता है कि जिस कंट्री पर यह लग जाता है वो ना किसी अदर कंट्री से कोई मिसाइल खरीद सकती है ना कोई सैटेलाइट कहीं से ले सकती है, उसे स्वयं से जो करना होगा खुद से करना होगा। यही रीजन है कि ईरान ने इतना बड़ा कदम उठाया और आत्मनिर्भर होकर अपने आप से सारा रॉ मटेरियल लगाकर इस मिसाइल सिटी का निर्माण किया। बात करेंगे कि ये जो आर्म्स एम्बर है ये किसने लगाया था, तो यूएन ने लगाया था। यूएन क्या है, यह एक पूरी तरह से क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो विश्व के जितनी भी कंट्रियां हैं इसके माध्यम से क्या करती हैं, यह एक संसद का रूप प्रदान करता है और यहां पर सारे विश्व की जितने भी कामकाज हैं, जो भी चीजें हैं, चाहे लोन लेना हो कुछ भी लेना हो, अगर आपको IMF से या वर्ल्ड बैंक से लोन या डोनेशन चाहिए तो ये आपको क्या करेगा, यूएन ही आपको परमिशन देगा और इसके माध्यम से आपके सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसे पूरा पूरा अधिकार था कि इसने ईरान पर आर्म्स एम्बर लगा दिया था। क्यों, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा था,
न्यूक्लियर क्या कर रहा था, परीक्षण कर रहा था, न्यूक्लियर का परीक्षण कर रहा था ईरान, इस वजह से इस पर रोक लगा दी। ठीक, लेकिन आज 2020 के लास्ट में यहां पूरी तरह से जो आर्म्स एम्बर एक्ट इस पर लगाया गया था वो हटा दिया गया, तो उसके बाद ही उसने इतना बड़ा कार्य कर दिया। तो इसका जो पड़ोसी देश है इजराइल, कौन सा इसका पड़ोसी देश है, एक इजराइल जो सऊदी अरब के बगल में पड़ता है, ठीक, उसने क्या किया, फिर से डिमांड करी है कि ईरान पर फिर से आर्म्स एक्ट लगा दिया जाए, कौन सा आर्म्स एम्बर एक्ट लगा दिया जाए, जिससे कि यह फिर से अपने आप से जो करे करे, बाहर से इसे कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। ठीक, चलिए बात करेंगे कि यहां पर मिसाइलें कितने प्रकार की हैं, तो दो प्रकार की हैं, फर्स्ट है क्रूज मिसाइल और सेकंड है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी बता चुका हूं। एक मैं आप लोगों को छोटा सा नॉर्मल इसका एग्जांपल देता हूं कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो सतह से सतह पर वार करती है, कहां से जमीन पर, और ज्यादा ऊंचाई नहीं होती इसकी, वो सीधे रेखा में जाती है और जमीन से कुछ ही दूरी ऊपर पर जाती है, जहां तक आपका रेंज होगा वहां यह पूरी तरह से लक्ष्य का भेदन करती है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है यह सतह से एक बार हवा में जाएगी, फिर जहां का आपने निशाना लगाया, जहां पर आपका टारगेट है, वहां जाकर यह पूरी तरह से कार्य करती है। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेता है कि ऐसी मिसाइल जो सतह से सतह पर वार करती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारी कौन सी है, क्रूज मिसाइल है। और ऐसी मिसाइल जो सतह से हवा में जाकर फिर सतह पर वार करती है उसे हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, चलिए बात करेंगे कि ये जो मिसाइल सिटी बनाई गई इसकी सिक्योरिटी कैसी है, इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, कौन, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो जैसे हमारे इंडिया में इंडियन आर्मी होती है, सेम उसी तरह से ईरान में क्या होता है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिसके कमांडर प्रेजेंट टाइम में है हुसैन सलामी। कौन, हुसैन सलामी कमांडर का नाम याद रखेंगे, इनके पहले कौन थे, इनके पहले थे कासिम सुलेमानी। कौन, कासिम सुलेमानी, जिन्हें कहां पर, इराक के बगदाद में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, यूएसए के द्वारा ड्रोन के माध्यम से इन्हें मरवा दिया गया था, ड्रोन से इन पर अटैक करके इन्हें इनका मर्डर करवा दिया गया था, किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो काफी सारे स्टेट या फिर राज्यों या फिर देशों के माध्यम से यहां कयास भी लगाया जा रहा है कि जो कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी यूएसए के माध्यम से, तो क्या ईरान ने यूएसए से बदला लेने के लिए इस मिसाइल सिटी का पूरी तरह से किया। लेकिन पूरी तरह से हम लोग इसे सत्य तथ्य नहीं कह सकते, रीजन यह है कि जो वहां की ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड क्या है, वहां की सेना है, उसके जो प्रमुख है, इन्होंने अभी तक ऐसा कोई अपना ट्वीट या फिर स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम लोग ये कयास लगाएं कि यूएसए से बदला लेने के लिए बनाया गया। अगर आप लोग बात करें जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पूरी तरह से क्या रहता है, एक दूसरे में विवाद बना रहता है, सेम इसी तरह से ईरान का पड़ोसी है इजराइल, इजराइल से भी इसका इसी तरह से संबंध है जैसे भारत का और पाकिस्तान से है, तो इजराइल के बारे में भी लोगों ने कयास लगाया है। चलिए अब बात करेंगे कि ये जो मिसाइल सिटी थी इसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ब्रीफली या फिर डीपली हम लोग बात करें तो समझ चुके हैं। अब बात करेंगे कि ईरान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे, उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, चाइना के बारे में पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने यूएसए के बारे में पढ़ा, फिर यूके के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी जो न्यूज है, जहां से नई न्यूज बन रही है, उस स्पेशल कंट्री के बारे में भी आप लोगों को कुछ फैक्ट जानना होगा, इस वजह से मैंने यहाँ कुछ नोट डाउन करा है। अगर बात करें ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान है। कहां पर, ईरान की कैपिटल तेहरान में है, और वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है इस समय, हसन रूहानी। देखिए ये न्यूज में बना है, तो छोटे एग्जाम्स में यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो हसन रूहानी। क्या नाम है, हसन रूहानी। बात करें उसकी अवस्थिति की कि वो प्लेस कहां है, किस जगह पर यहां है, भौगोलिक स्थिति देखें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इन तीनों के बीच में स्थिति पड़ती है, किसकी, ईरान की। ठीक, बात करेंगे कि ये तीनों जगह है कहां, तो ये एशिया में है, याद रखेंगे एशिया में है। इसकी नेबर कंट्री के बारे में हम लोग बात करें कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ईरान के, तो सबसे पहले इराक, उसके बाद तुर्की, अर्मेनिया, बाकू, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कुल कितनी कंट्रियां हुई, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, 7 इसकी पड़ोसी देश है, 7 इसकी नेबर कंट्रियां हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि निम्न में से कौन सी कंट्री ईरान की पड़ोसी कंट्री है, तो उसमें कौन सा आएगा, ईरान, तुर्की, अर्मेनिया, बाकू, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये ईरान से लगे हुए हैं। अगर हम लोग ईरान से और भारत का संबंध देखें, तो ज्यादातर भारत की जो पेट्रोलियम का आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, वो ईरान के चाबहार पोर्ट से किया जाता है। कहां से,
चाबहार पोर्ट से किया जाता है इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग अगले वीडियो में हो सकेगा तो यही कवर करने वाले हैं कि जो इंडिया के मुंबई से लेकर ईरान के कहां चाबहार पोर्ट तक, फिर चाबहार पोर्ट से लेकर कहां तक नीदरलैंड तक के लिए क्या किया जा रहा है। इंडिया का जो मुंबई है यहां से क्या करेंगे कि जहाज के माध्यम से वहां जाएंगे कहां ईरान के चाबहार पोर्ट पर, और चाबहार पोर्ट से आगे बढ़ते हुए कैस्पियन सागर में फिर यहां से सड़क का यूज करेंगे, फिर यहां से कैस्पियन सागर में पूरी तरह से वो जहाज का यूज करेंगे, फिर उसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये नीदरलैंड तक एक सड़क से जोड़ा जा रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग बात करें कि भारत और नीदरलैंड के बारे में, अगर व्यापार के बारे में बात करें तो नीदरलैंड वहां से अगर यहां आना पड़ता है तो आपको सबसे पहले कहां जाना पड़ता है, बाल्टिक सी में, फिर उसके बाद इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल के बाद आपको अटलांटिक सी में आना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कहां आते हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से होकर स्वेज नहर का यूज करके आप लोग कहां आते हैं रेड सी में आते हैं, लाल सागर से फिर आप वहां ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फिर उसे क्रॉस करते हुए अरब सागर होकर इंडिया के मुंबई में पहुंचते हैं। तो ये जो दूरी है बहुत ज्यादा है, इसी को कम करने के लिए डायरेक्ट चाबहार पोर्ट से स्थल माध्यम से और जल माध्यम से जोड़ा जा रहा है नीदरलैंड को। इंपॉर्टेंट है, कोशिश करूंगा कि कल वही वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मैंने अभी आप लोगों को टॉपिक बताया इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसने मिसाइल सिटी का निर्माण किया, तो वो ईरान है। ठीक, अगर बात करें कि ईरान ने जो मिसाइल सिटी बनाई है वो पूरी तरह से कहां है, तो वो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है। ठीक, अगर बात करें कि इस पर इसके पहले कौन सा एक्ट लगाया गया था या कौन सी इस पर संधि थोपी गई थी, तो वह थी आर्म्स एम्बर नाम की एक संधि इस पर थोपी गई थी। और इसका मतलब क्या होता है कि वो कंट्री जिस पर यहां लगाई जाती है वो किसी भी कंट्री से मिसाइल या सैटेलाइट परचेज नहीं कर सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्रूज मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो क्रूज मिसाइल वह मिसाइल है जो सतह से सतह पर वार करती है, बैलिस्टिक मिसाइल वह है जो सतह से एक बार हवा में जाएगी फिर आपके टारगेट पर जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बनाई गई है क्या मिसाइल सिटी, इसकी सिक्योरिटी क्या है, तो वहां की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा इसकी सिक्योरिटी को स्ट्रांग किया गया है। प्रेजेंट टाइम में कमांडर को, उन्हें कमांडर का नाम पूछेगा क्योंकि कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो कमांडर इसमें प्रेजेंट टाइम में कौन है, हुसैन सलामी, इसके पहले थे कासिम सुलेमानी जिनका मर्डर कर दिया गया था यूएसए के माध्यम से, कहा इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन के माध्यम से। ठीक, और यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कैपिटल इसकी तेहरान में है, प्रेसिडेंट हसन रूहानी है, और इसका जो जियोग्राफिकल हम लोग स्टेटस देखें तो कैस्पियन सी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी में, इन तीनों के बीच में ईरान पड़ता है जो एशिया में स्थित है। ठीक, बात करेंगे इसके नेबर कंट्री के बारे में तो कुल कितनी है, 7। मैंने अभी आप लोगों को याद करवाया था ईरान, तुर्की, अर्मेनिया, बाकू, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।